जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर बॉय हैंडसम खिलाड़ी। और आज एक 550 वर्षों के अंतराल के बाद हम सभी के प्रिय, लोकप्रिय और धर्म के मुख्य संस्थापक ही कह सकते हैं या आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है अयोध्या की पावन भूमि पर। और हम सब के लिए वो गर्व की बात है, हम सभी भाइयों के लिए गर्व की बात है। और इसमें सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई वाली बात नहीं है, सभी के लिए जो जो इस भारतवर्ष पर पैदा हुए हैं, आगे पैदा होंगे या इस समय सांस ले रहे हैं, वो सब के सब श्री राम से कहीं ना कहीं उनके दरबार में नतमस्तक रहते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि गाइस, सभी के सभी भगवान श्री राम की तरह आज के दिन ना कोई किसी से कुछ भी अग्रेसिव होकर बात करे, ना कोई किसी से कोई बुरी भाषा का प्रयोग करे, अपने वाणी को संयमित रखें और जितना हो सके उतना उनके आचरण को अपने जीवन में धारण करके आगे उनसे प्रेरणा लेकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें और विश्वास बनाए रखें। सभी के सभी आप एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के रखें। सभी के सभी ये सोचें कि आज एक नई ऊर्जा हम सभी भारतवासियों को मिली है, देशवासियों को मिली है। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही हृदय प्रफुल्लित हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से ये कार्य हो पाया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से हो पाया। और ये सब उनकी आस्था नहीं, सभी के सभी कार्य सेवक जिन पर जो अपने प्राण दिए, सभी के सभी इससे पहले के भी हमारे लीडर या हम सभी के सभी जनतावासी जो कहीं ना कहीं हमेशा से उनके लिए आदर के साथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सच्चे सपूतों, आज का दिन खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। जय श्री राम।